राजस्थान में कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 33 जिलों में कोरोना पॉजिटिव सामने आए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 11,930 हो गई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 269 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना मरीज 8,843 मरीज ठीक हुए। 8,479 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में 2,818 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं और राजस्थान में आने वाले 3,371 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिले। राजस्थान में आज 92 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। सिरोही में 34, जयपुर की अगर बात करें तो 24, झुंझुनू में 10, अजमेर अलवर में 7-7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। झालावाड़ में 3, कोटा टोंक सवाई माधोपुर में 2-2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले और बाहरी राज्य से भी 1 कोरोना पॉजिटिव मिला। प्रदेश में आज कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई। अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में 1-1 मरीज की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना से अब तक 269 लोगों की मौत हुई। लगातार कोरोना का आंकड़ा राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 33 जिलों में कोरोना पॉजिटिव सामने आए। 11,930 ये संख्या हो चुकी है। 269 मरीज अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। 8,843 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2,818 कोरोना के एक्टिव केसेस फिलहाल प्रदेश में हैं और प्रवासी जो हैं 3,371 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज 92 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। सिरोही से हमारे संवाददाता लियाकत अली फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लियाकत, 34 कोरोना पॉजिटिव आज मिले, क्या अपडेट मिल पा रही है? ये लोग बाहर से आए हुए थे या फिर सिरोही के ही रहने वाले ये थे? आंकड़ा जी पॉजिटिव मामले सामने आए जिसमें एक से रोहिड़ा गांव है, वहां से करीब 22 पॉजिटिव एक जी जी लियाकत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, सबसे ज्यादा 34 सिरोही से आज कोरोना पॉजिटिव सामने आए और लगातार ये जो आंकड़ा है बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। लगातार 269 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। झुंझुनू से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, क्या नई अपडेट मिल पा रही है? देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या नए इंतजाम और लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है? जी मनीषा, बिल्कुल, झुंझुनू के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज झुंझुनू के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 200 के पार हो गया है। अब तक कुल 203 जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या वो झुंझुनू के अंदर हो चुकी है। आज सुबह भी 10 नए केस जो झुंझुनू के अंदर शामिल हुए हैं और इधर रिकवरी भी झुंझुनू के अंदर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अब तक करीब 164 लोग है वो झुंझुनू रिकवर हो चुके हैं। बिल्कुल सुजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, रिकवरी रेट भी अच्छी है और इसीलिए लोग रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन इस बीच ये नहीं भूलना है कि कोरोना ने किसी प्रकार की छूट नहीं दी है। जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 269 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। 11,900 के पार ये संख्या हो चुकी है। इस बीच सतर्क रहना है, सावधान रहना है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। खुद सूबे के मुख्यमंत्री लगातार तमाम अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, लगातार जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो देख रहे हैं और भी अगर किसी प्रकार की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए लगातार फीडबैक रोज लिए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार से संतुलित इस पूरे माहौल को किया जाए, क्योंकि हालात जो हैं वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अजमेर से हमारे संवाददाता नितिन मेहरा फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या नई अपडेट मिल पा रही है? आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, अजमेर के लिए आज चिंता का विषय जरूर है क्योंकि कल भी 114 पॉजिटिव मामले आए थे और आज पुनः 7 मामले और पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। इसमें गंभीरता वाली बात यह है कि जो एक सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल है वहां के एक चिकित्सक सहित 4 नर्सिंग कर्मी, मतलब टोटल 4 जने जो हैं वो पॉजिटिव निकले हैं मेडिकल स्टाफ से। तो चिंता का विषय है क्योंकि जो जांच करने वाले हैं वो खुद पॉजिटिव निकल रहे हैं और उसके बाद लगातार अजमेर के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 400 के पार अजमेर के आंकड़े हो चुके हैं, तो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है।
किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी हैं जहां पर लोग जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं और एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, लापरवाही बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों को जागरूक होना जरूरी है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर को लेकर के बार बार आग्रह कर रहा है कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दूरियां बना के रखें, 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन लोगों को फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है। लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयारी करके बैठा हुआ है, हर किसी को जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों को समझाया जा रहा है। यहाँ तक की जो व्यापारी है, दुकानदार है, उनसे भी कहा जा रहा है कि ये आप लोग जो ग्राहक आ रहे हैं उनको मास्क पहने तभी दे रहे हैं और दूरी बना के रखे ग्राहकों की, इस तरीके से जागरूकता भी की जा रही है। नितिन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, लापरवाही एक छोटी सी भी अगर होगी तो खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। बहुत सारी जगहों से तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर लापरवाही का जो आलम है वो बना हुआ है। अलवर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या नई अपडेट? देखें, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल मनीषा, लगातार अलवर में कोरोना का जो असर है वो काफी बढ़ता ही जा रहा है। आज की अभी ताजा रिपोर्ट में 7 पॉजिटिव आ चुके हैं और 2 शतक अलवर में लग चुके हैं लगातार कोरोना के। 210 से अधिक मरीज यहाँ पर सामने आ चुके हैं। किशनगढ़ में मुंडावर, खेडली, ऐसी कोई सी भी तहसील अलवर जिले की नहीं है जहाँ पर कोरोना के मरीज नहीं आ रहे हैं। जो संक्रमित जो मरीज है उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र से जो प्रवासी लोग आए हैं उनके कारण अलवर में कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, इस बीच लगातार ये भी है कि रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, क्या नए इंतजाम किए गए हैं चिकित्सा विभाग की ओर से, क्या तस्वीरें सामने आ रही है? जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है उसी को देखते हुए चिकित्सा विभाग और राज्य सरकार की ओर से बेहतरीन जो प्रयास है वो किए जा रहे ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जाए। हालांकि जिस तरह से प्रदेश की बात की, प्रदेश में अब तक 11,930 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, तो वही जो रिकवरी रेट की बात करें तो 75% से अधिक जो रिकवरी जो रेट है वो लगातार अभी बरकरार है और प्रदेश में अब तक 8,343 जो कोरोना पॉजिटिव थे वो ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ साथ डिस्चार्ज करने वालों की संख्या भी 8,473 होती है। ऐसे में देखा जाए तो प्रदेश में एक्टिव केस 2,818 है, तो ऐसे में लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, हालांकि जिस तरह से पहले माइग्रेंट जो लगातार पॉजिटिव आ रहे थे उनकी संख्या अब काफी कम नजर आ रही है। हालांकि अभी तक प्रदेश में 3,373 जो प्रवासी है वो पॉजिटिव मिल चुके हैं। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।